दिल्ली में एक बार फिर केंद्र और केजरीवाल सरकार आमने सामने है। इस बार राशन की डोर स्टेप डिलीवरी पर मामला फंस गया है। केजरीवाल दिल्ली में राशन डोर टू डोर पहुंचाना चाहते थे, इसकी तैयारी भी पूरी हो गई थी। केजरीवाल इस योजना को जल्द ही लॉन्च करने वाले थे, लेकिन केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। इसके बाद अब एक बार फिर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच सियासी युद्ध छिड़ गया है। केजरीवाल की तरफ से केंद्र पर आरोपों की बरसात की गई है। दरअसल केजरीवाल सरकार 25 मार्च से मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को दिल्ली में लॉन्च करने वाली थी। इसके लिए टेंडर भी जारी कर दिए गए थे, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इस योजना पर रोक लगा दी है। जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने ट्वीट करके आरोप लगाया कि मोदी सरकार राशन माफिया को खत्म करने के खिलाफ क्यों है। आपको बता दें कि राशन माफिया को खत्म करने के लिए दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने जनवरी में इस योजना का ऐलान किया था। इसके तहत दिल्ली में रहने वाले राशन कार्ड धारकों के घर तक राशन पहुंचाया जाना था। हालांकि पहले की तरह राशन दुकान से लेने वाली योजना भी वैकल्पिक रूप से जारी रहेगी। स्कीम के तहत चीनी, चावल, गेहूं और आटा समेत दूसरी सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन अब इस योजना के लिए दिल्ली वासियों को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच किसी योजना को लेकर मतभेद पहली बार नहीं है। जब से केजरीवाल ने दिल्ली की सत्ता संभाली है, वो मोदी सरकार से भिड़ती रहती है। केजरीवाल को दिल्ली के उपराज्यपाल से भी हमेशा समस्या रहती है। कभी कभी केजरीवाल भूल जाते हैं कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और दिल्ली का असली मालिक केंद्र सरकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।